दिल्ली से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर स्थित बुलंदशहर नगर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है। ये बुलंदशहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत काल के समय से मिलता है। यहाँ कई खुदाइयाँ की गयी जिसमें प्राचीन सिक्के और शिल्पकृति मिले। इसे अब लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। बुलंदशहर का इतिहास। बुलंदशहर का इतिहास 1200 ईसा पूर्व से भी पहले शुरू होता है। ये जगह हस्तिनापुर से काफी नजदीक है, जो कभी पांडवों की राजधानी हुआ करता था। हस्तिनापुर के पतन के बाद अहर पांडवों का महत्वपूर्ण शहर बन गया। ये बुलंदशहर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है। काफी बाद में राजा परम ने इस क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवाया। इसके बाद एक तोमर राजा ने बरान नाम से एक और किले की आधारशिला रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में बरान साम्राज्य का अंत हो गया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों सहित बरान किले को भी अपने अधीन कर लिया। बरान पर कई शासकों ने हुकूमत की और अंत में इसे बुलंदशहर के नाम से जाना गया। बुलंदशहर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंचाई पर स्थित शहर। बुलंदशहर और आसपास के पर्यटन स्थल। चूंकि बुलंदशहर का इतिहास प्राचीन काल से मिलता है, इसलिए पूरे जिले में भटोरा, वीरपुर और गालिबपुर सहित अन्य जगहों पर कई खंडहर देखे जा सकते हैं। इनमें से चोला, अहर और वलीपुरा घूमने लायक जगह है। चोला एक छोटा सा गांव है जो बीबकोल्ड पोलियो टीका कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। कर्णवास एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है जिसका नामकरण महाभारत के नायक कर्ण के नाम पर हुआ है। वलीपुरा गाँव की प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है। एक नदी के किनारे पर बसा यह गाँव यहाँ स्थित वन चेतना केंद्र के लिए भी जाना जाता है। आप चाहे तो सिकंदराबाद भी घूम सकते हैं। इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था और यहाँ कई प्राचीन स्मारक भी हैं। अन्य शहरों की तरह बुलंदशहर में भी कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। इन्हीं में से एक है बेलोन स्थित बेलोन मंदिर। कुचेसर का किला। रावराज विलास के नाम से भी जाना जाने वाला यह किला 18वीं शताब्दी का किला है। यह पौराणिक धरोहर अजीत सिंह के परिवार की पैतृक संपत्ति है, जिनकी कुचेसर में रियासत थी। सन 1734 में बना यह किला चारों ओर से 100 एकड़ में फैले आम के बागों से घिरा हुआ है। इस किले की सन 1998 में फिर से निमराना होटल की देखरेख में मरम्मत की गई। जाट शासकों द्वारा बनाया गया यह किला होटल मठ किले के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बरन टावर। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था, इसलिए बुलंदशहर के मध्य में स्थित क्लॉक टावर बरन टावर के नाम से जाना जाता है। काला आम। काला आम चौराहा का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपराधियों को लटकाकर सार्वजनिक निष्पादन के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया था। इस जगह को शायद कत्ले आम कहा जाता था और बाद में काला आम को विकृत कर दिया गया था। यही वह जगह है जहां अंग्रेजों ने बुलंदशहर के लोगों को मार डाला। दूसरा संस्करण यह है कि वहां एक विशाल आम का वृक्ष था जिस पर अंग्रेजों ने बुलंदशहर के लोगों को फांसी दी थी जो उनके खिलाफ लड़े थे। कैसे पहुँचे? अगर आप रेल या सड़क मार्ग से बुलंदशहर जाना चाहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। NH-91 और स्टेट हाईवे 14 और 18 के जरिए बुलंदशहर अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवाएं भी मिलती हैं। दिल्ली और अन्य शहरों से बुलंदशहर के लिए लग्जरी बसें भी चलती हैं। वहीं शहर घूमने के लिए आप लोकल बस या रिक्शा का सहारा ले सकते हैं। बुलंदशहर के लिए दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख जगहों से आसानी से ट्रेन मिल जाती है। बुलंदशहर से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नई दिल्ली में है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। एयरपोर्ट से बुलंदशहर के लिए नियमित रूप से टैक्सी चलती है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के बीच बुलंदशहर घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।